हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विक्की सिन्हा ब्लॉग्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच जो सीएनजी आई है उसके वेरिएंट के बारे में, जो कि ये जो मॉडल है ये आपका एडवेंचर मॉडल है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियोस को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जो इसका सबसे पहले जो यूनिक फीचर है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं इसके सबसे पहले बैक साइड में। तो ये इसकी पूरी बैक प्रोफाइल मिल जाती है और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो बूट ओपन करने के बाद आपको बिल्कुल भी, ये सीएनजी वेरिएंट है और इसमें आपको कहीं भी बूट स्पेस जो है उसमें कहीं भी मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलता। आपको जो सीएनजी टैंक है वो 30-30 लीटर का आपको नीचे दो मिल जाते हैं जो कि फ्लैट है, और इसका जो स्पेयर टायर है वो भी इसमें मिलता है। ऐसा नहीं कि इसमें स्पेयर टायर नहीं मिलता, वो आगे की वीडियो में आपको दिख जाएगी, लेकिन इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अब यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसका काफ़ी अच्छा सा मतलब कि अब जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब एक प्रैक्टिकल गाड़ी आपको मिल जाती है। और कंपनी ऐसी मतलब कि उनमें बूट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता, बट पंच के साथ ऐसा नहीं करना पड़ेगा अब लोगों को, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं, सबसे पहले इसके सेंसर देखने को नहीं मिलता है डोर पे। तो डोर के अंदर जाते ही आपको कुछ ऐसा इंटीरियर मिल जाता है। इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो आती है इस वेरिएंट में, और ये इसका पूरा डैशबोर्ड का फ्रंट लुक है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी जो किया गया है, मतलब ये थोड़ा सा मेटैलिक में आता है ये वाला जो कलर है इंटीरियर का, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और जो इसका रूफ़ है ये सनरूफ वाला वेरिएंट नहीं है, ये नॉर्मल जो वेरिएंट है वो वाला सनरूफ वाला जो टॉप है वेरिएंट है उसमें आपको देखने को मिल जाए, जो इसका काफ़ी ज़्यादा हद तक काफ़ी चीज़ें वही सिमिलर सी है जो टाटा पंच जो आपकी पेट्रोल में आती थी उसी से थोड़ा बहुत सिमिलर है। बाकी ये इसका हेडरूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा मतलब कि जो मेरी जो हाइट है वो 5-6 है, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, कुछ भी इशू नहीं होता है। लेग स्पेस भी काफ़ी हद तक काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वही हरमन का देखने को मिलता है, 4 स्पीकर के साथ आते हैं इसमें। और जो इसका हैंड ब्रेक है वो भी मैनुअली है, और इसका जो इसमें जो की है उसमें आपको कोई भी कीलेस वाला एंट्री सिस्टम नहीं देखने को मिलता। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी हरमन का दिया गया है 4 स्पीकर के साथ। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है लगता है। इसमें फ़ैन स्पीड आप मैनुअली कर सकते हो। इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटर कंट्रोल देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन नेक्स्ट और म्यूट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी ही अच्छा लगता है। इसमें बस क्रूज़ कंट्रोल इसमें नहीं देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम इसके बैक वाले रो में, उसमें आपको कितनी हेडरूम और लेग स्पेस देखने को मिलता है। तो ये मैंने जो थी मैंने सीट पूरी पीछे कर रखी थी, उसके बाद अगर कितनी लेग स्पेस देखने को मिलती है वो मैं बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हो जो इसका लेग स्पेस है वो भी काफ़ी हद तक मतलब कि मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाता। और जो इसका मतलब कि बराबर वाला सीट है वो आगे करके की हुई है और पीछे वाला जो वो पूरा एंड तक कर रहा है। और जो इसका हेडरूम है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा मिल जाता है, मतलब कि जो 6-6.5 फीट के भी होंगे तो उनको इतना इशू नहीं होगा। तो ये इसका हेडरूम है और काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बट ये इसका जो वेरियंट है वो टू एयर बैग वाला जो है इसका वो वेरियंट देखने को मिलता है। इसमें पावर विंडो आपको बैक डोर में भी देखने को मिल जाते हैं, मैंने आपको बताया कि ये 4 पावर विंडो स्विच के साथ आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो बराबर वाली जो सीट है जो बिल्कुल ही आगे कर रखी है, वहाँ पे आपको कितनी लेग स्पेस मिलती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें देख सकते हो आप कितना ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी ही अच्छा है। और जो इसका मतलब और जो इसका इंजन है वो वही पेट्रोल वाला ही इंजन देखने को मिलता है। इसमें 1.2 लीटर का रेवोट्रेन सीएनजी इंजन पेट्रोल प्लस सीएनजी जो कि मतलब 1199 सीसी 3 सिलेंडर आता है, जिसका अगर हम पावर की बात कर ले तो सीएनजी में आपको 73.5 बीएचपी का पावर मिलता है, और टॉर्क की बात कर ले तो वहीं पे इसमें 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसकी हम अगर हम इसकी फ्यूल रेट की बात कर ले तो वहीं पे आप देख सकते हैं इसी में जहाँ से हम पेट्रोल फिलअप करवाते हैं वहीं से इसमें भी सीएनजी ही फिलअप होती है। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब कि काफ़ी ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम मारुति वगैरह में जाए तो उसमें स्विफ्ट में आपको देखा ही होगा कि कितना अजीब सा लगता है, बट पंच में काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया जो कि काफ़ी ही अच्छा देखने को मिलता है। ये पूरा उसका साइड प्रोफाइल है, वही लेंथ विड्थ और हाइट की बात कर ले तो वही आपको पुराने वाले ही पेट्रोल वेरिएंट में जो आती थी वही देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका जो
फ्रंट प्रोफाइल है वही आपको पेट्रोल जैसा ही आपको जो वेरिएंट आते थे वही सेम आपको फ्रंट से देखने को मिलेगा। वही आपको हेलोजन बल्ब के सेटअप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसमें DRS वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है, ना ही LED इसमें कोई भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह देखने को मिलते हैं। हाँ, वहीं पर अगर हम इसकी ORVM की बात करें तो इसमें आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये इसके यहाँ पर पावर विंडोज के कंट्रोल है और डोर ओपन लॉक का भी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये इसकी यहाँ पर CNG की स्विच है, इसमें पता चल जाता है कि CNG कितनी मतलब CNG पे स्विच हो रखी है या नहीं हो रखी वो चीज़। ये इसकी की है, वही आपको इसमें कीलेस वाला तो इसमें मिलता नहीं, इसी के साथ आपको जो दूसरी की है वो नॉर्मल ही देखने को मिलती है, एक ही रिमोट आपको देखने को मिलता है। ये पूरा इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी ही प्रीमियम बनाया गया है, वही आपको अल्ट्रोज वाला ही देखने को मिलता है। बट अगर हम प्रीवियस जनरेशन अगर इसकी CNG की बात कर ले, जो आपको टाटा टीगोर और टाटा उसमें मिलता था टियागो में, उससे काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को, वही आपको देख सकते हो हर्बन का 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाते हैं CNG स्विचिंग्स के। तो इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। वार्निंग लाइट्स वगैरह काफ़ी सारी दी गई, सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह देगा। ऊपर वाले में अगर हम बात करें तो उसमें आपको CNG का ऑप्शन जो फिलअप है वो देखने को मिलेगा कि कितनी CNG कितनी नहीं है। और नीचे आपको ये इसका 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और इस वही आपको 5 स्पीड प्लस 1 रिवर्स वाला गियर आपको देखने को मिलता है, मतलब कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी ड्राइवर सीट विंडो जो है वो आपको 1 टच का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही आपको मैनुअल ही करना पड़ता है। तो मतलब आप देख सकते हैं इसमें आपको मतलब कि 1 टच का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, वही आपको इसमें ORVMs जो है वो भी ऑटोमेटेड फोल्डेबल आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ही अच्छा लगता है। बट इसमें कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी मिसिंग सी है, जैसे ऑटो हेडलैम्प वगैरह इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, वो इसके अपर वेरियंट से देखने को मिल जाता है। ये एडवेंचर वाला वेरियंट आपको देखने को, वही आपको 15 इंचज़ का व्हील मिलता है, चाहे आप इसका बेस मॉडल ले रहे हो चाहे इसका टॉप मॉडल में। बस इसका अलग ये इसका जो बैक पैनल है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्पेयर टायर जो है वो आपको इसमें नीचे की ओर देखने को मिल जाता है। मतलब कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें स्पेयर टायर नहीं मिलता है, बट इसमें स्पेयर टायर आपको देखने को मिल जाता है इसमें नीचे की ओर, जो कि काफ़ी ही मतलब कि इसका जो एक एक चीज़ का अगर यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है। अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो वहीं आपको इसमें 25 से 26 का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा सिटी में, जो कि काफ़ी ही अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर हम इसकी प्राइस की बात कर ले तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस वो 7 लाख से शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी ही अच्छी। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो वहीं पर इसमें आपको 2 एयरबैग के साथ ABS EBD ब्रेक असिस्ट का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ही अच्छा है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।